क्या बंद हो गया? बना रहा हूँ, आप देख रहे हो रोटी बना रहा हूँ, आप सवाल क्यों पूछ रहे हो? जब तुम्हारा जन्म हुआ था तुम्हारे सामने काम कर रहा हूँ, इनकी चार चार बीवी है बट हमारी एक ही है, हिंदुस्तान में राज करूँ मैं और हमने संभाला है, लेकिन मुझे लूटना शुरू करो। आप जो बोल रहे हो मैं सुन रहा हूँ, इसलिए रोटी पानी से मिलूँ मैं तुम्हारे हस्बैंड से। हेलो गाइस, स्वागत है आपका जिया से रसोई में, और आज हम जा रहे हैं बाबा के ढाबे के यहाँ। और आजकल बाबा का ढाबा कैसा चल रहा है, क्या क्या वहाँ पे हो रहा है, पूरा आप लोगों को इस वीडियो में मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो जो बाबा का ढाबा है वो है एग्जैक्टली लोकेशन उसका है मालविया नगर में। अभी हो रहा है लंच टाइम। स्पेशल यह है कि बाबा इतना एटीट्यूड में क्यों रहते हैं, और जो भी उनके पास ब्लॉगर जाते हैं वो जब भी हो तो अच्छे से बात नहीं करते, तो आज पूरे उनसे सवाल जवाब भी करेंगे, साथ में उनका खाना भी टेस्ट करेंगे, और पूरा ब्लॉग आपको दिखाता हूँ और क्या क्या लंच में वहाँ पे बना हुआ है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छा लगने पर लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अब बाबा के ढाबा पर, और इस वक्त बाबा जी खाना खा रहे हैं। बाबा जी की वाइफ अभी, आज बाबा जी क्या खा रहे हैं? अच्छा बात करते हैं, अभी बाबा जी लंच कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद खाना भी टेस्ट करेंगे क्या क्या बना हुआ है आज। आपको एक बारी बता देता हूँ, मेन मार्केट नियर टैक्सी स्टैंड ऑपोजिट साइड हनुमान मंदिर मालविया नगर, ये यहाँ का थोड़ा सा व्यू है बाहर का। ये सामने है हनुमान मंदिर, गुमनाम जी रहे हैं बाबा जी यहाँ पे, एक टाइम में बहुत मशहूर हुआ करते थे, और आज यहाँ पे एक भी ग्राहक नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। ये वही ढाबा है जहाँ पे एक टाइम में बहुत सारा भीड़ हुआ करती थी, और थोड़ी देर बाद बाबा जी यहाँ पे आएंगे अंदर और उनसे ढेर सारे बातें करेंगे, क्यों वो इतना ज़्यादा एटीट्यूड में रहते हैं। एक टाइम में वही गौरव आसन भैया ने यहाँ पे उन्हें सपोर्ट किया था, और उनके आंसू देख के लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। ये उनकी फ़ोटो है उस टाइम की, और अब उनके यहाँ पे पोस्टर चिपका दिया गया है जिसमें उनके दांत आप देख सकते हैं किस तरीके से हैं उनके पास। अब और लेते हैं उनका इंटरव्यू। बाबा जी का भी इंस्टाग्राम है शायद, तो ये हैं बाबा जी यहाँ पे। तो बाबा जी नमस्कार। नमस्ते, स्वागत है आपका जिया रसोई में। आज बाबा जी क्या क्या बना हुआ है आपके यहाँ पे? देखो ये तो ये चावल ही है। अच्छा, ये चावल है, ये चावल है, ये मटर पनीर है, ये चने की दाल है, ये चने की दाल है, आलू शिमला मिर्च, ये आलू शिमला मिर्च की सूखी सब्जी, सभी सब्जी। किसी ने पूछा था कि आप क्या कर रहे हो? अरे हाँ, ना मेरी बात सुन, जैसे सवाल से जवाब। क्या बन जाओ क्या? मैं जब रोटी बना रहा हूँ, आप देख रहे हो रोटी बना रहा हूँ, आप सवाल क्यों पूछ रहे हो? आप क्या कर रहे हो? अरे वही अकबर बीरबल वाली कहानी है, भाई कितने अंधे कितने आँख वाले हैं, है पर वही साहब है। बाबा जी रोटी बनाने जा रहे हैं साथ में, तवे की रोटी मिलती है यहाँ पे। इस जमाने में आपके पास बहुत ज्यादा भीड़ हुआ करती है, आजकल कम है तो कमा रहे हैं। मेरी बात सुनो, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम्हें देखने में कितने लोग आए थे? अब तुम्हें कम देखने आता है? जैसे लंच में कितने लोग चले गए खा के? बड़ा अभी मेरा खाना तैयार हुआ है, मैं यही बनाता हूँ, कहीं बना कर आता नहीं। उनसे पूछो भाई खाना कैसा कैसा नहीं, उनसे पूछो। बाबा जी आपकी उम्र क्या है? हमारी 83। इस उम्र में भी आप बहुत मेहनत करते हो। मैं तुम्हें बताऊंगा, कभी हार मत मानना, रहो मत रहो मगर कभी हिम्मत मत हारना। और रहने वाले के लिए कौन यहाँ पर रहने के लिए आया है? सबको जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अपने शांति से काम कर रहा हूँ। अब देखो इनकी चार चार बीवी है सामने बैठे हैं, इनकी चार चार बीवी है, उनकी चार बीवी है तो उसमें उनकी उनकी गलती है ना। हाँ हाँ, एक बीवी रखो। हाँ आपकी भी है चार बीवी, आपकी तो हमारी एक ही है, एक ही है ना। ये तो चाहते हैं हिंदुस्तान में राज करूं मैं। बाबा जी जब आप वायरल हुए थे ना, तो हमने सुना कि बाबा जी के बाद बहुत सारे पैसे आ गए। हाँ। बाबा जी का मन बढ़ गया। कहते हैं ना जब पैसे आ जाते हैं तो उसको कैसे संभालना चाहिए? अरे संभालने वाली बात आपने सही कहा है, उसको संभालना चाहिए और हमने संभाला है। और आप अगर आ जाओ मेरे मैनेजर बन के मुझे लूटना शुरू करो,
जो बोल रहे हो मैं सुन रहा हूँ, ठीक है, वो चले बोलते थे उसे सुनते जाओ। तो बाबा जी आपको कितने साल हो गए बाबा चलाते हो? मेरा 1990 31 दिसंबर हमने शुरू किया था, हमारी दुकान पहले वहाँ थी। हाँ, ये पूरा नाला खुला हुआ था, शायद तुम्हारा जन्म नहीं हुआ होगा उस समय, ये पूरा नाला खुला हुआ था, समझे? ये दीवार जो नहीं है ये नाले पे है। बाबा खोलने से पहले आप क्या करते थे? बस वही सवाल हमारे पास आ गया, हम क्या करते थे, हम पर नौकरी करते थे उससे पहले, रेन चलाते थे यार, इसे रोटी पानी से मिलूँ मैं। तुम्हारे हस्बैंड ये पूछ रहा था कि जब आप वायरल हुए ना, आपके पास इतने पैसे आए, आपने कहाँ रखा उन पैसों को? हमने उन पैसों को बैंक में रखा, या आपकी बाबा जी आप बड़े रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं? हमने खोल के बंद कर दिया। पैसे आए वो आपके पास के वाके में आए कि नहीं आए? आए कि नहीं आए, ये झूठ बात है। आए आए पैसे आपके सारे खत्म हो गए उस टाइम? हाँ? जो भी आए थे सब खत्म हो गए। खत्म क्यों होंगे? अच्छा मेरी बात सुनो, जो नसीब में होगा वो रहेगा, जो नहीं होगा वो नहीं रहेगा। तो रेस्टोरेंट आपका किराए पे था? किराए हाँ, पे मिला किराया था। तो कितने किराए दे रहा था? 35,000 रुपए महीने का। 35,000 रुपए? 1,10,000 रुपए खर्चा था। हाँ, टोटल लेबर वेबर मिला के सारा सब लगा के। अब 45,000 रुपए कमाई थी, क्या फायदा? अरे हाँ यार, अरे चार बीवी वाले आदमी बैठो रुक। आपके साथ? हाँ चार भाई, चार हैं। मेरी बात सुनो, ये बेचारे हमारी बड़ी मदद की है, ये हमारी बड़ी मदद की है, इन्होंने हमारी बड़ी मदद की है। आपके दोस्त हैं? हमारे दोस्त नहीं है, मगर हमारी बड़ी मदद की है, कम्बल से लेकर के पैसे से लेकर के। चलो अच्छा, ठंड का मौसम होता था हम लोग कम्बल देते थे, हमारी बड़ी मदद की है। भाई मैं रहूं ना रहूं मेरा नाम तो रहेगा। बाबा जी आपके फैमिली में कौन कौन है, आपके परिवार में? हमारे परिवार में देखो बेटा, हम तो दोनों साथ में हैं, एक हमारी लक्ष्मी है, एक हमारी पोती है, दो लड़के एक लड़की है, सब हमारे साथ रहते हैं। बंद करते 5:30 तक चल जाता हूँ। रात में ऐसा है मैं नॉन वेज बनाता नहीं, नॉन वेज खाने वाले आते हैं, समझे? मैं इसलिए लगाता नहीं। वो कह रहे थे कि बाबा जी तो घमंड है, इसलिए वो गया भी हो गया आपसे। कल आएगा बिल्कुल घर का जैसा खाना है, कोई ज़्यादा तेल नहीं है और नॉर्मल खाना है। बेटा उनको कुछ मैसेज देते हैं? मैं बड़ा पता चाहता हूँ वो जैसे जहाँ पर हैं ये खुश रहें। इंसान अच्छा नहीं, टेस्ट करते हैं कैसा कैसा है। तो ये रोटी है, चावल है, मटर पनीर है, बहुत ही नॉर्मल घर का जैसा खाना है, अच्छा टेस्ट है। रोटी भी सिंपल घर की है, घर के जैसे। ये है आलू शिमला मिर्च की सब्जी। तो अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे तो एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, खा के देखिएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और दोस्तों YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS रसोई चैनल।